हेलो हेलो, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं प्रशांत कुमार रंजन आगरा से बात कर रहा हूँ सर। सर, अच्छा, मुझे मेजेंट्री के लिम्फ नोड से हो गए थे जी सर। तो मेरे स्टमक में 24 घंटे पेन होता रहता, ठीक। करीबन 2-3 साल हो गए सर। तो फिर मैंने सर एक सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन के बाद सर डॉक्टर साहब ने एडवाइज किया, एक मोनटॉक्सिक टेस्ट कराया मेरा। तो सर उन्होंने एक टैबलेट चलाई थी मेरे लिए, 10 महीने खाई थी वो मैंने, कॉम्बिनेक्स 800। उसमें दो साल्ट थे, एक आइसोनाजेड 300 mg, एक और कंप्यूटर। एथेम्बुटोल 800 mg। तो सर ये 10 महीना खाने के बाद सर मेरा पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, और सर फिर 1 साल का गैप हो गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को सर। तो उन्होंने एक मेरा टीवी सेवर कराया सर, टीवी? सेवर। अच्छा। तो सर उसमें लेटेंट और एक्टिव पॉजिटिव आया है, और मैंने वैसे कोई फीवर फीवर आता नहीं है, वैसे कोई सिम्टम्स नहीं है खांसी फांसी के सर। तो मैं सर गवर्नमेंट में गया, तो वहाँ पर मैंने कहा, तो उन्होंने मन इग्नोर कर दिया कि आपको ट्यूबर क्लोसिस नहीं है। अच्छा। हाँ सर, और फिर उसके बाद क्या हुआ सर, मेरी फिर उन्होंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने जो टीवी सेवा कराया था, तो उन्होंने AKT-4 फिर चलाई थी सर। मैंने 8-10 दिन खाई थी, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर उससे। हाँ अच्छा सर, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल। तो सर कैसे, फिर मैंने बंद कर दिए सर वो फिलहाल अभी। तो सर इसके लिए क्या एडवाइज करेंगे सर आप, क्या ओपिनियन है सर आपका? अभी दिक्कत क्या हो रही है? सर मेरे पेन होता है पेट में, वो कभी कभी होता है कि अक्सर आता है? नहीं 24 घंटे होता है सर, करीबन मुझे 3-4 साल हो गए। तो टीवी में ऐसा, पेट की टीवी में ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को 24 घंटे पेट में दर्द होता रहे। ठीक है, दर्द हो सकता है बीच बीच में, लेकिन हमेशा ही 24 घंटा दर्द होने वाला ये टीवी के लक्षण नहीं है, अच्छा सर। ना? तो आपको कुछ और चीज़ होगा, अच्छे से जांच पूछ करवा लीजिए आप। सर मैंने एंडोस्कोपी वगैरह करा ली, 2-3 CT स्कैन करा ली, अल्ट्रासाउंड करा ली है। ठीक है, लेटरिन कैसी होती है? लेटरिंग तो सही आती है सर, और अच्छा। भूख भी सही लगती है, लेटरिंग सही आती है सर। तो हाँ। दर्द का तो यार, समझ दर्द का तो पैरामीटर को समझना पड़ेगा यार ऐसे, क्योंकि टीवी का से इतना दर्द नहीं होता कि 24 घंटे दर्द होता रहे। कभी कभी हो सकता है बीच में, और टीवी की दवा भी खा ही चुके हैं आप। हाँ सर, एक ही टैबलेट चलिए हाँ, कॉम्बिनेक्स वो एट पता नहीं किस हंड्रेड हिसाब से चलाइए, जब जब चलाएं तो पूरी चलाएं, दो कॉम्बिनेशन में पता नहीं कौन सा रूल नया नियम निकाला लोगों ने ना। आइसोनाइजेड और हाँ, एथेम्बुटोल। तो मैंने जब चलानी थी तो पूरी चलानी थी ना, पूरी 4 ड्रग से शुरू करके 2 ड्रग पर ले जाते, छः चाहे 6 महीना खिलाते। अब केवल आइसोनेजाइड और वो इथम्बिटोल, दो का क्या कॉम्बिनेशन होगा पता नहीं ना। हाँ सर, यही तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है सर, हाँ, इतना अब मैं अब दोबारा नहीं चला सकता ना। नहीं दोबारा देखिए, अगर टीवी की दवा लेनी है तो पूरा कोर्स लीजिए। पर आप कह रहे हैं आपको आपको जब लेने से दिक्कत हुई तो एक बार डॉक्टर को बताइए कि लेने मैंने से ये दिक्कत हुई। बताया, हाँ, तो क्या बोले? वो ये कह रहे थे कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है। हाँ, जब श्योर नहीं तो क्यों दवा शुरू कर रहे हैं फिर? गेस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा सीनियर है वो भी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उनके भी। अरे जब श्योर नहीं है तो फिर क्यों दवा शुरू की? हाँ, वही तो मैंने कहा था कि तो बंद कर दूँ दवा को। तो 3,000 रुपये की जांच हुई ट्यूबरक्लोसिस वाकी ट्यूबर टीवी श्योर ये की। सब तो है ना फिर, ये सब नहीं। देखो जिस तरह से आप बता रहे हो, लेकिन भूख भी लग रही है, खाना भी खा रहे हो, लेटरिन हाँ वेटरिन हाँ भी ठीक सर, हो रही है, सब ठीक हो रहा है, केवल पेट दर्द होता रहता है ना। क्या इतना दर्द होता है कि रूटीन काम नहीं कर पाते हो? और सर पेन होता रहता है, अरे कैसा पेन होता है? हल्का होता है, ज्यादा होता है? दवा हाँ लेने की हल्का जरूरत पड़ती है? हल्का 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 दवा होता है, लेने हल्का की हल्का जरूरत पड़ती है क्या? नहीं नहीं दवा नहीं, हल्का हल्का होता है। और उन्होंने एक दवा चलाई है नॉर्मोक्सिन टेबलेट है, हाँ, वो सब चला और देते। देखो देखो, नॉर्मोक्सिन उसी के चक्कर, वो IBS में लोग चला देते, तो बस करिए, जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो नॉर्मोक्सिन चला देते हैं। तो हाँ इसमें वो सेक्रेटरी वाली दवा भी होती है, तो ये मान के कि आदमी वो दिमाग से परेशान है, तो ये उस वो भी सब दवा रहती है उसमें ना। तो वो तो देखो, कुछ फायदा हो तो कुछ नहीं करेगी। अब थोड़ा हाइट वेट वगैरह कितना है? मेरा सर 68 है।
और हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट 4 इंची है। ठीक है, सब तो सही है, क्या दिक्कत है तुमको फिर यार? बस कुछ यही है कि कुछ बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नशा तो नहीं नहीं? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ भाई जी। तो रेस्टोरेंट नहीं करते क्या? नहीं करते हैं सर, लेकिन मैं नहीं करता। तुम नहीं करते ना? अच्छा, एंडोस्कोपी में ये पेट में अल्सर तो नहीं आए थे? नहीं नहीं सर, अल्सर नहीं आए थे, वो मैंने 2021 में कराई थी एंडोस्कोपी, तब भी हाँ, मेरे पेन होता था, तो उन्होंने एंटीबायोटिक चलाई थी 6 7 8 महीने। अरे क्यों चलाई थी एंटीबायोटिक? कुछ आया हुआ तब तो चलाई होगी ना? आया कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी ये कह रहे थे एसिडिटी का रिफ्लेक्स में बढ़ गया है तो। तो जले वो एक तो कह रहे आया भी है, फिर बोले कुछ भी नहीं आया। जब जब एसिडिटी का रिफ्लेक्स हो रहा है तो दर्द हो गई पेट में, ये था सर तो हो सकता है उसमें। तुम्हारे रिफ्लेक्स की वजह से हो। GERD तो नहीं था? GERD तो नहीं है? मैं सर, मेरे पास एक एंडोस्कोपी है, कहो तो आप भेज हाँ भेज देना। दो, व्हाट्सएप पे भेजो। तुम ना टीवी का दोस्त परेशान वो नहीं लग रहा मेरे को। आप ये होता है कोई एसिडिटी हो तो सुबह आप खाली पेट एक एसिडिटी वाली दवा ले लिया करो, ये पेंटोप है ना। वो तो सर मैं लेता हूँ, लेकिन आराम नहीं मिलता है हाँ, ये। और अगर उसमें अल्सर वगैरह कुछ ऐसे आते हैं ना, तो फिर एच पायलोरी का आता है किट, आता है वो लेना लेना चाहिए। पहले बात तो रिपोर्ट भेजो मेरे को, देखता हूँ क्या है। ठीक सर, मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ अपने सर। हाँ रिपोर्ट भेजो, फिर बात करना बाद में। सर 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 मुझे एडवाइज करें प्लीज सर, हैं हाँ ठीक है, ओके। आपकी मेहरबानी होगी सर। स्टूडेंट हूँ, बड़ा भटक रहा हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ।